चुनाव जीत कर भी हार गए, शिवराज मामा एमपी में हो गया। बड़ा खेल, भाजपा ने ऐसे नेता को सौंप दी सीएम की गद्दी जिसका नाम भी कोई नहीं जानता। इधर शिवराज दिखा रहे थे गजब का कॉन्फिडेंस, उधर अमित शाह ने लगाया चाणक्य वाला दिमाग, अब सीएम नहीं बल्कि ये काम संभालेंगे मामा। मोहन यादव की हिस्ट्री जानकर उड़ जाएंगे आपके होश। ये नेता कोई आम नहीं बल्कि बेहद खास है, खासियत देखकर खुद मोदी ने लिया इतना बड़ा फैसला। पहले तो मध्य प्रदेश में भाजपा का चुनाव जीतना ही बेहद मुश्किल हो रहा था, लेकिन जब भाजपा ने एमपी में भारी बहुमत से चुनाव जीता तो पहले तो 10 दिनों तक ये सस्पेंस बना रहा कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री किसे बनाया जाए। एक तरफ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस कॉन्फिडेंस में घूमते रहे कि भाजपा के पास उनके अलावा सीएम चेहरे का कोई भी दूसरा बड़ा दावेदार नहीं है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अमित शाह सबको चौंकाने के लिए ऐसा खेल खेलने में लगे थे जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। और जब अमित शाह ने अपना चाणक्य वाला दिमाग लगाया तो वही हुआ जिसका सबको डर था। अब मध्य प्रदेश में एक ऐसे नेता को मुख्यमंत्री की गद्दी सौंप दी गई है जिसे एक दिन पहले तक खुद भी अंदाजा नहीं था कि वो 24 घंटे बाद मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा। एक आम नेता से सीधे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की गद्दी तक पहुंचने वाले इस नेता का नाम बेहद कम लोगों को पता है, लेकिन इस नेता में ऐसी खास बात है जिसके चलते खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस नेता को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया है। भाजपा ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री यानी शिवराज मामा के साथ कौन सा बड़ा कांड कर दिया, इसकी सारी जानकारी आपको इस रिपोर्ट में आगे देंगे। लेकिन इससे पहले मध्य प्रदेश का ये नया मुख्यमंत्री मोहन यादव कौन है और इसमें ऐसी कौन सी खासियत है जिसके चलते खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस नेता को लेकर इतना बड़ा फैसला करना पड़ा, इस बारे में जान लीजिए। मध्य प्रदेश में भाजपा ने सोमवार को मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया तो सब हैरान रह गए। पार्टी ने मोहन यादव को राज्य का नया मुख्यमंत्री बनाया है। विधायक दल की बैठक में उनके नाम की घोषणा की गई। वे लगातार 3 बार से विधायक का चुनाव जीतते आ रहे हैं। इस बार उज्जैन दक्षिण सीट से मोहन यादव ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस के उम्मीदवार चेतन प्रेम नारायण यादव को 12,940 वोटों से हराया है। मोहन यादव का जन्म 25 मार्च 1965 को उज्जैन में हुआ था। उनके पिता का नाम पूनम चंद यादव है। 3 बार के विधायक यादव 2 बेटे और 1 बेटी के पिता हैं। उन्होंने बीएससी, एलएलबी राजनीतिक विज्ञान में एमए, एमबीए और पीएचडी की है। मोहन यादव ने अपना राजनीतिक करियर साल 1984 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में शामिल होकर किया। वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य भी रहे। 2004 से 2010 तक उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रहे हैं। 2011 से 2013 तक एमपी राज्य पर्यटन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रहे, फिर 2013 से 2018 तक विधायक रहे और दूसरी बार निर्वाचित होने पर 2019 के बाद स्कूल शिक्षा मंत्री रहे। बताया जा रहा है कि राज्य में प्रचंड जीत दर्ज करने के बाद भाजपा ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, डॉ के लक्ष्मण और आशा लकड़ाढ़ा को पर्यवेक्षक बनाकर भेजा था। इन तीनों नेताओं को सीएम चुनने की जिम्मेदारी दी गई थी। सभी पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में विधायक दल की बैठक हुई जिसमें मोहन यादव के नाम पर मुहर लगा दी गई। लेकिन मोहन यादव के नाम पर मुख्यमंत्री की मुहर लगाने से पहले मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को हटाए जाने का फैसला बेहद चौंकाने वाला था। आम जनता के साथ साथ भाजपा के कई बड़े नेताओं को भी इस बात की उम्मीद नहीं थी कि भाजपा शिवराज सिंह चौहान को उनके इतने प्रयासों के बाद भी मुख्यमंत्री की गद्दी से हटा देगी। शिवराज सिंह चौहान ने इस चुनाव में अपनी पूरी जी जान लगा दी थी और चुनाव जीतने के बाद वे पूरे कॉन्फिडेंस में ये बात कह रहे थे कि उन्हें इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं है कि पार्टी किसे मुख्यमंत्री बनाएगी। वे पार्टी द्वारा दी गई हर जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से निभाएंगे। लेकिन उनकी बातों से साफ पता चल रहा था कि वे इस बात को लेकर निश्चित है कि पार्टी उनके अलावा किसी भी दूसरे नेता को उनकी कुर्सी नहीं देगी। लेकिन जैसे ही ये फैसला आया कि शिवराज सिंह चौहान को हटाकर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है तो तुरंत पूरे देश में बवाल मच गया और मीडिया ने शिवराज सिंह को हटाए जाने के पीछे कई कारण बता दिए। लेकिन शिवराज सिंह को हटाए जाने के पीछे का सबसे बड़ा कारण खुद मोहन यादव है। दरअसल मोहन यादव संघ के पुराने कार्यकर्ता है और उन्होंने काफी लंबे समय तक संघ में रहकर कार्य किया है, जिसके चलते खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार उन्हें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सौंपने का निर्णय लिया है। इसके अलावा कहा यह भी जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी न देकर बल्कि 2024 में मिली जीत के बाद केंद्र में कोई बड़ा पद दिया जा सकता है कि उन्हें केंद्र में कोई बड़ा पद दिया जाएगा। फिलहाल भाजपा के इस निर्णय से पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है और भाजपा की चाल से पूरा विपक्ष भी हिला हुआ है।
लेकिन भाजपा का एक नए नेता को प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपने का ये फैसला कितना सही साबित होगा ये तो मोहन यादव के कार्यकाल के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन क्या आप भाजपा के इस फैसले से खुश है या नहीं, और मोहन यादव के पॉलिटिकल कैरियर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताएं।